बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मरियम पॉइंट। सो व्यूवर्स, आज आपके साथ जो है मैं शेयर करना चाह रही हूँ, वो लोग जो सर्दियों में डैंड्रफ का शिकार हो जाते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ का प्रॉब्लम होता है, तो मैं आपको जस्ट सिंपल 3 इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी और आप इसको यूज़ करें तो आपकी जो है वो डैंड्रफ खत्म हो जाएगी। डैंड्रफ बेसिकली क्या है, फंगस की एक टाइप है, तो हमें जो है वो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने हैं जो फंगस के साथ फाइट करें और हमारी जो स्कैल्प्स को क्लीन करें। तो बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, घर में अवेलेबल होते हैं। आपको चाहिए दस जिंजर जूस, ठीक है, अदरक का आप जो है वो पेस्ट बना लें और उसके बाद जो है वो स्क्वीज आउट करके, ठीक है, सीव कर लें और इसका जूस निकाल लें। उसके बाद आपको चाहिए क्यूकम्बर, ठीक है, क्यूकम्बर का जूस भी आप निकाल लें, उसको क्रश करके उसके बाद उसको आप जो है वो सीव कर लें, ठीक है, अच्छे से छान लें और उसके बाद आप इन दोनों इन्ग्रीडियंट्स को मिक्स कर दें, ठीक है। तो ये आप इनको मिक्स कर दें। उसके बाद आपको जो थर्ड इंग्रेडिएंट चाहिए वो है लेमन, ठीक है। लेमन जो है वो बेस्ट इंग्रेडिएंट है जो कि फाइट करता है फंगस से, ठीक है, जो हमारे सर में डैंड्रफ होती है। आप जो है वो एक लेमन ले लें, उसको स्क्वीज कर लें इसके अंदर अच्छे से, ठीक है, इसका सारा जूस है वो निकल आए। एक लेमन आप यूज कर लें और उसके बाद जो है वो इन सारे इंग्रेडिएंट्स को आपस में जो है वो आपने मिक्स आउट कर लेना है, ठीक है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपस में मिक्स कर लें। इसके बाद आप क्या करना है, आपने आपने इसको जो है वो अपनी स्कैल्प्स के अंदर जो है वो इसको अप्लाई करना है, ठीक है, और आप जो है वो कॉटन यूज़ कर लें या आप जो है वो इसको स्प्रे बॉटल में डालकर उसे भी जो है वो अपनी स्कैल्प्स में अप्लाई कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके हेयर्स में एक तो शाइन आएगी, दूसरा जो है वो आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो जो बंद हुए हुए होते हैं, ठीक है, उसमें डर्ट और जो है वो डैंड्रफ की वजह से जो है पोर्स जो है वो क्लोज हो जाते हैं, तो आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो ओपन होंगे, ठीक है, और उनमें जो है ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, क्योंकि हमने ब्लड सर्कुलेशन एनहेंस करने के लिए इसमें जिंजर डाली है और इसमें हमने जो है वो क्यूकम्बर और जो है वो लेमन डाला है जो कि फाइट करेगा डैंड्रफ से। और एक और टिप आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि जब आप जो है वो शैम्पू करने लगे तो अपने जो भी आप रेगुलर शैम्पू यूज करते हैं उसके अंदर आप लेमन डालें, लेमन एक लेमन जो है वो स्क्वीज कर लें और जितना आप शैम्पू यूज करते हैं अपने हेयर की लेंथ के अकॉर्डिंग आप जो है वो उसके अंदर जो है वो लेमन डालें और उसके बाद वही वाला जो है शैम्पू यूज़ करें। इससे इंशाल्लाह जो है वो आपका डैंड्रफ का प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व हो जाएगा। सो ये जो है वो मैं यूज़ कर रही थी और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ भी ये जो है वो शेयर करूँ और आपका भी जो है फ़ायदा हो जाए, क्योंकि सर्दियों में यूजली बहुत सारे, गर्मियों में इतना मसला नहीं होता, सर्दियों में जो है वो डैंड्रफ का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो इसलिए मैंने आपके साथ ये सिंपल सी होम रेमेडी थी जो मैंने बनाई, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर लूँ। सो ये आप ज़रूर ट्राई करें और फिर मुझे फीडबैक ज़रूर दें कि आपको इसका जो है वो फ़ायदा हुआ, बेनिफिट मिला कि नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एक शॉर्ट सी वीडियो थी, जल्दी से मैंने आपको बता दिया, बस आप ये अप्लाई करें और जो है वो आप जो है वो एक घंटे के लिए वेट करें, ठीक है, नहाने से पहले, तो उसके बाद जो है वो आप शैम्पू कर लें। शैम्पू भी आपको मैंने बताया कैसे यूज़ करना है, जो भी रेगुलर शैम्पू यूज़ करते हैं उसके अंदर आपने लेमन डाल लेना है। सो ये बहुत ही ईजी वे में आप जो है वो अपने डैंड्रफ को कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। आई विल शेयर माई इंस्टाग्राम प्रोफाइल लिंक इन पिन कमेंट एंड डू टेल मी व्हाट काइंड ऑफ वीडियोस यू वांट मी टू शेयर विद यू गाइस। Thank you so much. Take care of yourself. Allah Hafiz.